इस वीडियो में दिखाया जाने वाला फोन मैंने और मेरी टीम ने मिलकर बनाया है, जो कि एक डमी फोन है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया कि ये फोन कैसा दिखने वाला है इस जानकारी के लिए। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस पोको M2 के डमी पीस की। डमी पीस बोले तो मैंने इसे खुद से बनाया ताकि आपको बता सकूं कि इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन क्या रहने वाली है और ये फ़ोन किस प्रकार का दिखने में रहने वाला है। ये फ़ोन इंडिया में 8 तारीख को लॉन्च हो रहा है, 8 सितंबर को, और ये हो सकता है Redmi 9C का रीब्रांडेड वर्जन हो जो कि बाहर लॉन्च हुआ है। और पोको को तो पता है, Redmi Note 9 Pro को ही सीधा रीब्रांड कर दिए थे, तो ये तो रीब्रांड मास्टर है। डब्बे को ओपन करते हैं, आपको सबसे पहले एक लीड देखने के लिए मिल जाएगी, उसके बाद आपको मेन फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको कि अपन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे मैं निकाल लेता हूँ और कुछ इस प्रकार का ही फोन रहने वाला है। आपको यहाँ पे मतलब नॉच देखने के लिए मिल जाएगी वाटर ड्रॉप वाली, जो कि टीजर में ऑलरेडी कंफर्म हो गया है। और यहाँ पे आपको एक चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 18 वॉट का फास्ट चार्जर हो सकता है। डब्बे में आपको देखने के लिए मिल जाए रेडमी 9C से थोड़ा सा डिफरेंट फोन हो सकता है यहाँ पे, वो सब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पास आपको ये वाला चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक टाइप सी डेटा केबल देखने के लिए मिल जाएगी, हो सकता है यहाँ पे आपको माइक्रो USB केबल देखने के लिए मिल जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस टाइप सी के हैं, क्योंकि यार अभी तक एक भी फोन नहीं है जो कि माइक्रो के साथ आया हो। तो यहाँ देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार का आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, 6.53 इंचेस का HD+IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और पोको लॉन्चर आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा बेस्ड ऑन MIUI 12 विथ Android 10। जी हाँ, यही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और डिस्प्ले ठीक ठाक सी, फ्रंट कैमरा की बात रही तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल सकता है और हो सकता है 5 मेगापिक्सल का भी हो जाए, क्योंकि यार थोड़ा लो एंड डिवाइस रहने वाला है, मतलब 10,000 के नीचे आने वाला है। एक्सपेक्टेड प्राइसिंग भी आपको मैं बताऊँगा कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग क्या हो सकती है, और वैसे कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है। बाद में बात रही इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे बैटरी के बारे में मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि यार कुछ ज़्यादा है आज के ज़माने में, बड़ी बैटरी इसको बोल नहीं सकते, 6000 mAh की बैटरी कहलाती है बड़ी आज के ज़माने में। और यहाँ भी देख सकते हो 13+2+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, बैक माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और प्लास्टिक बॉडी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। प्रोसेसर की बात नहीं तो मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर देखने के लिए मिल सकता है, और आई थिंक वही देखने के लिए मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो G35, उससे कम जाएंगे तो यार कुछ इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा। और 3GB 32GB 4GB 64GB देखने के लिए मिल जाएगा, हो सकता है 8000 इसकी प्राइसिंग हो। तो होप कि आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के मैं इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।